नमस्कार। 21 दिनों से लगातार भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई है। इसके साथ साथ इन्होंने नया इतिहास रचा है, डीजल के भाव पेट्रोल से महंगे कर। दोस्तों, हम सामान्य नागरिकों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या असर होता है, क्यों हमें इस पर आक्षेप लेना चाहिए, इसके कुछ कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण है बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है और नौकरी नहीं तो तनख्वाह नहीं। दूसरा कारण, लॉकडाउन के चलते सारे धंधे चौपट हो चुके, लोगों की आमदनी कम हो गई है। तीसरा कारण, डीजल के भाव कीमत का सीधा असर हमारे जीवनावश्यक वस्तुओं पे पड़ता है, राशन, सब्जियां इत्यादि। चौथा कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल जब बहुत सस्ते दामों में बेचा जा रहा है, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, क्यों? हमें भाजपा सरकार को याद दिलाना है कि उन्होंने 2014 में ये वादा किया था देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो कम करेंगे। इसी वादे के साथ वो चुन के आए, लेकिन उन्होंने धोखेबाजी की है, इस देश के नागरिकों के साथ धोखेबाजी की है। उन्हें हमें याद दिलाना है, उनका ये नारा याद दिलाना है। तो देश के मेरे नागरिकों और मेरे युवा साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाए और इस निकम्मी सरकार से सवाल पूछे कि क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।